थ्री अमेजिंग लेफ्ट हैंड पैटर्न्स जो कि आप कोई भी सॉन्ग के साथ प्ले कर सकते हो सीखेंगे इस वीडियो में. सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक. हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जश कुटावाला. सो हम फर्स्ट पैटर्न से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पैटर्न बहुत ही सिंपल है. आपको क्या करना है, तीन नोट्स मैं आपको दूंगा, सिर्फ तीन नोट्स आपको प्ले करने हैं, ठीक है. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप अगर सी कॉर्ड प्ले कर रहे हो तो वहां पे आपको मिडिल नोट को प्ले नहीं करना है. एंड आप एक काइंड ऑफ, अगर आपने हमारा वीडियोस ऑलरेडी फॉलो किया है तो आपको पता होगा एक्सटेंडेड कॉर्ड्स कैसे प्ले करते. अगर नहीं पता है तो हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो, वहां पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे इसके. तो आपको कॉर्ड प्ले करना है इस तरीके से, थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसको प्ले करना है, मिडिल नोट को उठा के. वो जो रूट नोट है हमारा कॉर्ड का, जो कॉर्ड आप प्ले करो एक्स वाई जेड, उसी को हमें नेक्स्ट ऑक्टेव में प्ले करना है. अब ये एक्सटेंडेड कॉर्ड्स को प्ले करने के बाद आपको इसको ब्रेक डाउन कर देना. तीन नोट्स है, 1 2 3. अब कौन से रिदम में इसको ब्रेक डाउन करना है वो देखेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप ऐसे करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन से सॉन्ग में किस तरीके से कौन सी स्पीड पे ब्रेक डाउन करना है. उसका भी हम एक रूल सीखेंगे यहाँ पे. सो क्या करना है, देखो हमारे पास अगर 4x4 टाइम सिग्नेचर में सॉन्ग है, मतलब 1 2 3 4, तो आपको 1 2 में खत्म करना है, 1 2 3, ठीक है. 1 2 3 4 चल रहा है तो 1 2 3 1, फिर सेकेंड जो नोट होगा वो 1.5 पे होगा, एंड थर्ड जो नोट होगा वो हमारे सेकेंड बीट पे होगा, 1 2 3, ठीक है. 1 2 3 1 2 3, ठीक है. फिर 3 और 4 जो बीट है, 1 2 3, फिर ये पर जो 3 बीट एंड 4 बीट, वहां पे आपको कुछ प्ले नहीं करना है, सिर्फ उसको सस्टेन करके रखना. अब देखते हैं इसको कौन से सॉन्ग के साथ आप प्ले कर सकते हो. इनफैक्ट आप सारे जो 4x4 टाइम सिग्नेचर है उनमें आप सारे सॉन्ग्स के साथ ये पैटर्न को फॉलो कर सकते हो. आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. अब देखिए, अगर आप तुम ही वो सॉन्ग प्ले करते हो तो उसके रिदम कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3, ठीक है. तो इस तरीके से 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2. इसमें रिदम को कैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने सॉन्ग के रिदम को नहीं पहचाना कि 1 2 3 4, अब तुम ही हो सॉन्ग ओरिजिनली ऐसे, अगर आप इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 1 2 3 4, हम तेरे बिन अब, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कैसा है, 1 2 3 4, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते. सो 1 2 3 4, अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड पैटर्न पे. सेकंड पैटर्न पे मूव करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि आपको इन कॉर्ड्स के कोऑर्डिनेशन में, कॉर्ड्स के शिफ्टिंग में, एंड टू हैंड मास्टरी, ये सारी चीजों में बहुत सारे डाउट्स आते हैं. इसीलिए हमने आपके लिए एक कोर्स बनाया हुआ है, कॉर्ड्स मास्टरी कोर्स, जो कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव 2.5 आवर लॉन्ग कोर्स है और आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है. इसमें सारी वो प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हो कॉर्ड्स के रिलेटेड, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, एंड दैट टू एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस. उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको वहां पे और भी डिटेल्स मिल जाएगी, आप उसे चेक कर सकते हो. सो मेक श्योर यू एनरोल इन द कोर्स टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग कॉर्ड्स, ठीक है. सेकंड पैटर्न में मूव करते, सेकंड पैटर्न इससे सिंपल होगी. पहले में हमने एक्सटेंडेड कॉर्ड प्ले किए, अब थोड़ा सा इसको सिंपल करेंगे, ठीक है. अब आपको सिंपल कॉर्ड्स ही प्ले करने हैं. मेक श्योर करना है कॉर्ड्स का सेकेंड नोट प्ले नहीं करना है अभी, ठीक है. जितना हो सके हम सेकेंड नोट को प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा मेस क्रिएट करता है कभी कभी, इफ प्लेड इन लोअर ऑक्टेव, ठीक है. सो हम वो मेस क्रिएट करना नहीं चाहेंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम कॉर्ड्स के दो नोट ही प्ले करेंगे, फर्स्ट नोट एंड लास्ट नोट. सिंपल, एज सिंपल एज दैट. कोई भी कॉर्ड प्ले करो, लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट नोट प्ले करना है, ठीक है. अब इसमें पैटर्न कैसे क्रिएट करेंगे देखिए हम. अब आपको क्या करना है, बीट चल रही है 1 2 3 4, 3x4 टाइम सिग्नेचर की पैटर्न नेक्स्ट वाली है, वो हम देखेंगे, लेकिन अभी 4x4 टाइम सिग्नेचर की बात करें, क्योंकि 90 मतलब मेजोरिटी ऑफ द सॉन्ग्स 4x4 में होते हैं, बहुत ही कम सॉन्ग्स 3x4 में होते हैं, ठीक है. इसीलिए ज्यादा पैटर्न्स इसके सीखनी चाहिए. तो 1 2 3 4, आपको क्या करना है, कॉर्ड प्ले करना है ऑन द फर्स्ट बीट, 1 2, फिर थर्ड बीट पे आपको क्या करना है, लास्ट नोट प्ले करना है ऑफ द कॉर्ड,
अगर आप सी कॉर्ड प्ले करो तो उसका लास्ट नोट होगा जी, तो आपको करना है 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, और थोड़ा सा आराम से प्ले करना है, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. अब यहां पे इसको हम एग्जांपल में देखते हैं, देखो ये बहुत ही सिंपल से पैटर्न है, फर्स्ट वाले पैटर्न से काफी सिंपल पैटर्न है। अब हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं, यहां पे सेम ही सॉन्ग को एग्जांपल बना के देखेंगे क्या ये सूट कर रहा है इस सॉन्ग पे भी, देखिए, सो हियर वी गो, यहां पे टाइमिंग चेंज हो जाएगा, 1 देखिए, अब यहां पे टाइमिंग कैसा होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3, ठीक है, मैं बोल नहीं पाऊंगा मतलब साथ साथ में, इसलिए 1 2 3 4 1 2 3, तो सारे 4x4 टाइम सिग्नेचर पे ये फर्स्ट एंड सेकंड पैटर्न हमेशा सूट करेगी, ठीक है, थोड़ी सा फील चेंज हो सकती है लेकिन हमेशा सूट जरूर करेगी। अब हम मूव करते हैं हमारी थर्ड पैटर्न पे, 3x4 टाइम सिग्नेचर वाली, बहुत ही सिंपल से पैटर्न, क्या करेंगे, सिंपल कोई भी कॉर्ड पकड़ेंगे, उसके फर्स्ट नोट को एक बार प्ले करेंगे, ठीक है, 3x4 में बीट कैसी होती है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सिंपल, क्या किया मैंने, कॉर्ड के फर्स्ट नोट को प्ले किया एंड लास्ट के दो नोट को साथ में प्ले किया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसको मैं प्ले करता हूं लग जा गले सॉन्ग के साथ, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज करनी है, 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 स्पीड के साथ, अगर लग रहा है सॉन्ग थोड़ा खाली लग रहा है देन कुछ कुछ पार्ट पे आप सस्टेन पैडल यूज कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि जब कॉर्ड्स को चेंज करो तब सस्टेन पैडल को थोड़ा सा उठाना एंड देन अगेन फिर से प्रेस करना है। इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा पॉज लेके कभी भी आप ऑन कर सकते हो। तो ये थी हमारे वीडियो की 3 पैटर्न्स जो कि आप कोई भी सॉन्ग के साथ प्ले कर सकते हो। अगर इफ द सॉन्ग इज इन 4x4 टाइम सिग्नेचर देन यू कैन यूज द फर्स्ट पैटर्न एंड द सेकंड पैटर्न, इफ द सॉन्ग इज इन 3x4 टाइम सिग्नेचर देन यू कैन यूज द थर्ड पैटर्न। इसके ऊपर हम और भी पैटर्न्स लाएंगे, अगर आप चाहते हो कि इसमें और भी पैटर्न्स में इंक्लूड करो देन आप नीचे बस कमेंट कीजिए, हम और भी पैटर्न्स इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि YouTube को भी पता चले कि ये वीडियो में दम है, वो और आपके जैसे लोगों के साथ शेयर करे एंड और भी लोग पियानो सीख सके। सो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।